हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज आपका शादी नहीं उबली कर चैनल में स्वागत है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो विषय है सर्कल। ज्योमेट्री का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका नाम है सर्कल। सर्कल ये मोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और आंसर्स आने वाली जगह है और बहुत इजी चैप्टर है। तो मैं आज आपको सर्कल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और वो जानकारी आपको लाइफ टाइम के लिए भी काम आएगी। सर्कल के बगैर कोई भी ज्योमेट्री के ये जो है फिगर्स जो है पूरे नहीं होते। तो दोस्तों, सर्कल के बारे में पहली बात ये है, व्हाट इज सर्कल? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी ये जो है, ये सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है जो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और ये जो पूरा लेंथ है इसको सर्कल कहते हैं, ये सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो अभी रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर, तो रिलेशन क्या है ये हम लोग को देख रहे हैं। ये जो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है सर्कल में, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस, सेंटर पॉइंट और इसके प्रोपोर्शनेट क्या फार्मूला है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहला रिलेशन क्या है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी, उसको सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर डी इज डिनोटेड बाय पाई। पाई ये रोमन वर्ड है तो उसको पाई बोलते हैं। ये कॉन्स्टेंट है, यानी ये जो है इसका कुछ वैल्यू है वो आपको आगे बताऊंगा। पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर भी नहीं है। द वैल्यू ऑफ पाई इन प्रैक्टिस इज टेकन एज 22/7 और 3.14 इन द एग्जाम्पल। इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन, इट इज टेकन एज 22/7। तो पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 यानी 3.14। द इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ट्रांसपोजिशन करके, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर सी अपॉन डी इज इक्वल पाई, और सी इज इक्वल पाई डी। देखिए ये जो पाई है ये हमेशा कोई भी सर्कल के बारे में पाई कांस्टेंट रहता है, तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल पाई। तो अभी सी कैसा निकालेंगे, पाई इंटू डी, सी इज इक्वल पाई इंटू डी, पाई डी। तो हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव होता है, तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल पाई, ये कांस्टेंट रहेगा। कोई भी सर्कल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो तो उसके लिए ये पाई कांस्टेंट रहता है। तो हमेशा सर्कल का ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू में ये पाई कांस्टेंट है। तो डी इज इक्वल टू आर, टू आर यानी दो रेडियस। अभी ये डी किसको बोलते हैं, ये सेंटर में से जो लाइन जाता है इसको डायमीटर बोलते हैं डी। हाँ, ये इधर से लेके इधर तक ये डी, तो ये आर और ये आर यानी ये दो आर, टू आर इज इक्वल डी, समझे? तो ये रेडियस, आर यानी रेडियस, ठीक है, ऐसा रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, जितना भी सेंटर से जो लाइन जा रही है सर्कमफ्रेंस तक वो सब आर है। ओके, तो अभी सी इज इक्वल पाई डी, सी इज इक्वल टू पाई आर, डी यानी टू आर, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू पाई आर, आर्क ऑफ द सर्कल। अभी आर्क ऑफ द सर्कल क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। पहला हम लोग ने ये समझा कि प्रोपोर्शनेट सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का ये क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पाई है, और सी इज इक्वल पाई डी, ऐसा हम लोग ने फॉर्मूला बताया है। तो डी इज इक्वल टू आर, ये भी आपको समझ में आ गया। अभी सर्कल को जो सर्कमफ्रेंस होता है वो सर्कमफ्रेंस का, समझो हम लोग को ये सर्कल इतना ही पार्ट चाहिए तो इसको क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है, आर्क बोलते हैं। अभी सर एकदम डेफिनेट ये दिया है, इसका ये दिया है, क्या बोलता है हम लोग इसका वर्डिंग दिया है वो हमको पढ़ना है। द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बाय टेकिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ईच पार्ट इज कॉल्ड द आर्क, समझे? द इन द फिगर द कॉर्ड ए बी डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू पार्ट्स, द आर्क ए एक्स बी, ए ए एक्स बी, ए एक्स बी, द आर्क ए एक्स बी इज स्मॉलर एंड इज कॉल्ड अ माइनर आर्क, ये छोटा छोटा है और ये बड़ा है। द आर्क ए वाई बी एंड इज बिगर एंड इज कॉल्ड मेजर आर्क, तो ये बड़ा आर्क को मेजर आर्क बोलते हैं, ये छोटे आर्क को माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आर्क कैसा बात करना है, ए एक्स बी या ए वाई बी, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखे आर द मैन्युअली कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, क्या है, ए एक्स बी और ए वाई बी आर द म्यूचुअली
करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी बाजू बाजू में है, बाजू में सामने सामने है करस्पॉन्डिंग आर्क। अभी अगला टर्मिनोलॉजी क्या है, सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ एन आर्क। इन द फिगर द सेंटर ओ इज वर्टेक्स ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी वर्टेक्स यानी जो ऊपर का पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो 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 कोना आता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। सेंटर सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, यानी ये ओ यानी ये सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज टेकन टू बी मेजर ऑफ द आर्क। सबटेंडेड यानी उससे जो अक्वायर हुआ है उसको बोलते हैं सबटेंडेड। द सेंटर बाय एन आर्क इज टेकन टू बी मेजर, इसको मेजर बोलते हैं, ए ओ बी ए एक्स बी, ये जो मेजरमेंट है यही मेजरमेंट ये भी है डिग्री में, ओके ना। द मेजर इन द फिगर इफ द मेजर ऑफ ए ओ बी इज 70, ए ओ बी इज 70, देन द मेजर ऑफ द माइनर आर्क ए एक्स बी इज ऑल्सो 70 डिग्री। इधर 70 ये इसको 70 डिग्री बोलते तो आर्क को भी 70 डिग्री बोलते हैं। इट इज रिटन एज, अब ये लिखते कैसे है, मेजर आर्क ए एक्स बी इज इक्वल 70। हम लोग क्या करते हैं एंगल को, एंगल ए एक्स बी ऐसा लिखते हैं या ए ओ बी लिखते हैं, वैसा ये ए एक्स बी आर्क लिखते हैं। मेजर को बाहर मेजर लिखने के बाद उसका हम लोग को वैल्यू देना जरूरी है, मेजर क्या है 70 डिग्री है, वही 70 डिग्री ये आर्क का भी है, ठीक है। मेजर द मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल 360 माइनस मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। मेजर ऑफ मेजर ए वाई बी इज इक्वल 360 माइनस 70 इज इक्वल 290। हाँ तो इसका इसका वैल्यू क्या हो गया, ए ओ आई बी का मेजर आर्क का 290 डिग्री। तो इस तरह से ये सब टर्मिनोलॉजी सर्कल की खत्म होती है। और हम लोग को कितने हम लोग टर्म्स जान गए, एक तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस, दूसरे डायमीटर, पाई का वैल्यू, पाई पाई यानी कॉन्स्टेंट है सर्कल में हर सर्कल में, और मेजर कैसा गिनना है, आर्क का मेजरमेंट और एंगल का मेजरमेंट, ये किस तरह लिखना है, किस तरह ये करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, हाँ इन सब बातों का हम लोग ने आज स्टडी किया है। तो ये बेसिक बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है हर बार पढ़ते समय, हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, और ये जितने आप ध्यान में रखोगे उतने आने वाले दिनों में आपको इसमें बहुत हेल्प होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोगों का सर्कल अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहला, और सर्कल के ऊपर हम लोग थोड़े प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कुछ असाइनमेंट दिए हुए हैं उनके, वो असाइनमेंट कैसे आए, उनका आंसर कैसा आया, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है और आप लोगों को समझने के लिए ये करना जरूरी है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में हमको पूछा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए कैसा होगा क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को और आप ध्यान से सुनिए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुए है। देखो पहला क्वेश्चन ये है असाइनमेंट में, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो अभी हम लोग को यहाँ क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है वो भी सेंटीमीटर में, तो 176 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड इट्स रेडियस। तो हम लोग ने अब असाइनमेंट में जब पढ़ने का टाइम पढ़ा था कि ये हम फार्मूला क्या है, कांस्टेंट क्या है, उसको बताया था, तो ये फार्मूला हम लोग सी इज इक्वल पाई डी ये फार्मूला लगेगा। और अभी इधर हम लोग को रेडियस दिया है इसलिए हम लोग को क्या लगा, सी इज इक्वल 2πr। तो देखो सोल्यूशन में मैंने दिया है सी इज इक्वल 2πr, ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर यूज होगा क्योंकि सी दिया हुआ है और हम लोग को आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर फाइंड आउट, आर इज अननोन, तो अब इस सब जगहों पे इनका वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू डाला जाएगा, तो 176 ये सेंटीमीटर है, 2πr, पाई का वैल्यू 22/7, आर इधर अननोन है, अभी ट्रांसपोजिशन करने के बाद देयरफॉर आर इज इक्वल 176 × 7 अपॉन 2 × 22। इस तरह से इसका सब मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर 28 सेंटीमीटर आता है। तो आर इज इक्वल 28 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। ये काफ़ी इजी है, सिर्फ ये फार्मूला को ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन में क्या पूछा है वैसा उस फार्मूला को अपने हम लोगों को यूज करना है। तो अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द ऑफ अ सर्क्यूलर गार्डन इज 56 मीटर, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ द 4 राउंड ऑफ फेंस अराउंड द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 per meter। तो अभी हम लोग को क्या करना है, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, गार्डन को गोल पूरी तरह से पूरा राउंड राउंड चार चार राउंड
यानी ऐसे चार राउंड हमको करने हैं, तो वो कैसा दिखेगा गार्डन अपने को, ये ऐसे चार राउंड करने पड़ेंगे, ऐसे चार राउंड एक ही इसमें पोल के ऊपर चार राउंड हमको, ये चार राउंड, तो हर हर इसका हर इसमें एक दो तीन चार, अभी आप ये देखेंगे ये ऐसे चार राउंड हमको ये गार्डन को करने पड़ेंगे। हाँ, तो ये यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग पहला सरकम, एक सरकम्फ्रेंस, दो सरकम्फ्रेंस, तीन सरकम्फ्रेंस, चार सर, तो चार एक सरकम्फ्रेंस पहला निकालना हम लोग को जरूरी है। तो हम लोग इस सरकम्फ्रेंस का फार्मूला क्या है, सरकम्फ्रेंस का फार्मूला क्या है, द सरकम्फ्रेंस सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू पाई आर। तो हम लोग को आर दिया हुआ है, आर इज 56 मीटर, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 56, तो एक सरकम्फ्रेंस हो गया 352। तो चार बार इसको चार से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक राउंड हो गया। अब इसको चार से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, चार राउंड को इसको 1408, इसका 352 इंटू 1408 मीटर होता है। अभी इसको 40 पर मीटर, ये 1408 पूरी लेंथ हमको इसको क्या लगा है, हमको फेंस लगा है, वो फेंस का कॉस्ट क्या है, पर मीटर कितना है 40, तो इसको अभी इंटू 40 करने के बाद, तो ये 1408 रुपीज़ 40 इंटू 1408 इज इक्वल 56,320 रुपीज़, हाँ इतना कॉस्ट उसका आएगा, और यही सवाल अपने को पूछा है। तो इस तरह से अपने को फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला में हम लोग को उसको चार बार सरकमफ्रेंस घुमारे तो 4 × 4 और उसका जो रेट होगा वो, इस तरह से ये आंसर आया है। अभी देखिए, अभी दूसरा तीसरा सम है, द सम आर शोन इन द सर्कल विथ द सेंटर ओ, राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क फ्रॉम अमंग देम। तो माइनर आर्क क्या है, जो छोटा आर्क होता है उसको माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा आर्क होता है उसको माइनर बोलते हैं, सेमी सर्कुलर यानी हाफ हाफ सर्कल, ठीक है। तो अभी मेजर में माइनर आर्क कौन से है, तो आर्क PXQ, आर्क PR, आर्क PR, आर्क RY, आर्क QI, आर्क QX, ठीक है, ये छोटे 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 छोटे। और मेजर क्या है, आर्क PQR, PQR, आर्क पे PYQ, ओके, और क्या आर्क XQP, ठीक है, यहाँ से इतना बड़ा ये मेजर आर्क, और आर्क QRX, इतना बड़ा ये है आर्क है। अभी सेमी आर्क क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क, QPR, और RQYR, आधा क्या सेमी। तो ये इस तरह से आर का रीड किया है और आर के बारे में हम लोग ने लिखा है, तो ये इसके आंसर है। अभी चौथा सम ये क्या है असाइनमेंट में, द मेजर ऑफ द माइनर आर्क PXQ ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इज 110, व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क PYQ। तो अभी इधर क्या प्रॉब्लम कैसा दिया है, देखो माइनर आर्क PXQ प्लस मेजर आर्क PYQ इज इक्वल 360 डिग्री, दोनों आर्क मिला के 360 होते हैं, तो 110 डिग्री प्लस मेजर आर्क PYQ इज इक्वल 360 डिग्री, तो मेजर आर्क PYQ इज इक्वल 360 माइनस 110, तो 250 मेजर आर, तो इस आंसर है 250 डिग्री है। द मेजर ऑफ द मेजर आर्क PYQ इज 250 डिग्री। इस तरह से ये चौथा हम लोग असाइनमेंट का सम भी कर दिया है। तो ये मेजर आर्क माइनर आर्क ये सब ये जो बातें हैं ये यहीं पे दी हुई है, हम लोग को सिर्फ समझ के ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और ये बहुत इजी और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हाईएस्ट मार्क कमाने का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।